नमस्कार, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। जी हां, यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो कुछ बोलने वाला हूं वो किसके वचन हैं, चार्वाक के, या जो दर्शन में उल्लेख है। अतः किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो अन्यथा ना लेंगे और इस टॉपिक को पूरे इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन मुख्यतः जड़वादी दर्शन है। जड़वादी अर्थात ऐसा दर्शन जो चेतना युक्त आत्मा की अस्तित्व को क्या है, खंडन करता है, नकारता है और सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर क्या करता है, ध्यान देता है, भौतिक वस्तुओं की अस्तित्व को ही स्वीकारता है, बाकी सभी को नकार देता है। कहा जाता है कि भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से आध्यात्मिक है, परंतु पूर्णतः आध्यात्मिक है यह कहना गलत होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में जड़वादी दर्शन का भी सम्मिश्रण है। जड़वाद का प्रमुख प्रवर्तक है यहाँ पर चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन एक जड़वादी दर्शन है, क्लियर है, जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिज्म को ही मानता है, जड़वाद को ही मानता है। अब जानते हैं चार्वाक है क्या। तो चार्वाक एक जो नाम पड़ा, चार्वाक कहाँ से पड़ा, तो चार्वाक के नाम के पीछे विभिन्न विभिन्न मत हैं, उन मत को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला मत है चार्वाक चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना या फिर खाना। अतः इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो और मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यह इस दर्शन का मूल मंत्र है। खाने पीने पर अत्यधिक जोर देने के कारण इस दर्शन को क्या कहा गया, चार्वाक के नाम से पुकारा जाता है। चार्वाक का दूसरा मत है चार्वाक नाम के पीछे यह है चारु और वाक से मिलकर बना है चार्वाक। चारु का अर्थ होता है मीठे और वाक का अर्थ होता है वचन, तो मीठे वचन बोलने वाला उसको क्या बोला जाता है, चार्वाक बोला जाता है। क्योंकि चार्वाक दर्शन में सुंदर और मधुर वचन का समावेश है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चार्वाक दर्शन कहा जाता है। और चार्वाक नाम के पीछे तीसरा मत है और वह है व्यक्ति विशेष का नाम चार्वाक था, जो जड़वाद का समर्थन करता था। उन्होंने जड़वादी विचार को जनता के बीच रखा, इसलिए इसका नाम क्या है, चार्वाक दर्शन है, क्लियर है। तो ये तीन मत हैं चार्वाक नाम के पीछे। अब हम अपने सिलेबस में आते हैं। हमारे सिलेबस में हैं चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, चार्वाक की तत्व मीमांसा और सुखवाद का सिद्धांत, ये तीन टॉपिक हैं। इन तीन टॉपिक को क्रम में पढ़ेंगे बिना देरी किए और छोटे छोटे फॉर्म में अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चार्वाक की ज्ञान मीमांसा। आपको मैंने जब मीमांसा दर्शन पढ़ा रहा था वहाँ बताया था प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं। और प्रमा में क्या क्या आता है, आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार आते हैं प्रमा में, जिसके द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्लियर है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रकार के हमने पढ़े थे प्रमा में यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए। तो चार्वाक का ज्ञान मीमांसा क्या कहता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है, यही चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का मुख्य सिद्धांत है।
ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष जो है ज्ञान निश्चित रहता है, प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान जो है निश्चित रहता है, संदेह रहित रहता है तथा यथार्थ होता है, विवाद रहित होता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान को जो है प्रमाण माना गया है चार्वाक दर्शन में। और जो अन्य प्रमाण हैं जैसे अनुमान, उपमान और शब्द, इनका खंडन करते हैं। यही है चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, सिंपल सा शब्द में। यदि 30 शब्द में आए कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा को समझाइए, तो आप समझा सकते हैं कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा जो है प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, क्योंकि यह जड़वादी दर्शन है, तथा उपमान, शब्द, अनुमान इनका खंडन करता है। इतना लिखेंगे 30 शब्द में, क्लियर है। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो उसको देख लीजिए कि प्रत्यक्ष क्या होता है। तो जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, और ज्ञानेंद्रिय क्या है, कौन कौन सी है ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, ठीक है। वैसी पांच क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां आपके द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, मुंह के द्वारा क्या करते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद का स्पर्श करते हैं, हाथ के द्वारा छू कर देखते हैं कि कोमल है या कठोर, कान के द्वारा सुनते हैं, और नाक के द्वारा गंध का एहसास करते हैं। और यही सब क्या है, प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। और ऐसा ज्ञान क्या होता है, संदेह रहित होता है, विवाद रहित होता है, यथार्थ होता है। इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। यही चार्वाक का ज्ञान मीमांसा है। चार्वाक अनुमान, उपमान और शब्द को क्या करते हैं, नहीं स्वीकार करते, उनका खंडन करते हैं। प्रत्यक्ष की प्रमाण मानने का कारण है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चार्वाक कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ठीक है, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण मान लिया, अब उपमान, अनुमान और शब्द, इसका खंडन कैसे करते हैं, तो बारी बारी से देखते हैं। पहला है आपका अनुमान प्रमाण का खंडन कैसे करते हैं। अनुमान प्रमाण का, अनुमान होता क्या है, अनु मतलब होता है पश्चात, और मान मतलब होता है ज्ञान। पश्चात अर्थात बाद में होने वाला ज्ञान ही क्या है, अनुमान है। या इसी को बोल सकते हैं कि साधन के आधार पर साध्य का ज्ञान करना ही क्या है, अनुमान है। उदाहरण से समझिए कि धुआं को देखकर आग का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। आप मान लीजिए यहां से पर्वत में धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, तो आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि वहां आग लगा होगा, तभी वह धुआं उठ रहा है। यहां पर आग और धुआं में क्या है, एक संबंध है, कि धुआं को देखकर आप आग का अनुमान लगा रहे हो, इसी को अनुमान बोलते हैं। यह अनुमान जो है निश्चयात्मक नहीं होता, निश्चित नहीं होता, इस अनुमान में संदेह है, और यह अनुमान जो है व्याप्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अनुमान जो है सत्य नहीं है, और अनुमान का खंडन करते हैं चार्वाक जो है, क्योंकि इससे निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये व्याप्ति क्या है, उसको देख लेते हैं। अब तो समझ में आ गया कि अनुमान जो है संदेह युक्त है। इस संदेह युक्त क्यों है, क्योंकि यह व्याप्ति पर निर्भर करता है। व्याप्ति को चार्वाक ने संभव नहीं माना है। व्याप्ति संभव इसलिए नहीं है क्योंकि व्याप्ति का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते
वह क्या है? अप्रमाणित है। अच्छा, व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्याप्ति के बारे में समझ लीजिए कि व्याप्ति होता क्या है। व्याप्ति क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को कहते हैं व्याप्ति। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्या बताया था? धुआं और आग का। धुआं और आग ये दो वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं के बीच जो संबंध है उसी को बोलते हैं व्याप्ति। कि धुआं को देखकर आप आग का अनुमान लगा रहे हो, कुछ ना कुछ संबंध है धुएं और आग का, तभी तो आप अनुमान लगा पा रहे हो, इसी को व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब अनुमान का खंडन कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया है, इनको देख लीजिए। पहला पॉइंट है, प्रत्यक्ष से व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकती। व्याप्ति आपको बता दिया, दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। क्लियर है? तो प्रत्यक्ष से व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि धुआं और आग, धुआं को देखकर आग का अनुमान लगा रहे हो, आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, लेकिन यह सभी जगह सत्य नहीं हो सकते कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगा, यह असत्य है। भाई वहाँ कोहरा भी तो हो सकता है, वहाँ धुआं जैसा दिख रहा है वह कोहरा हो सकता है या कुछ और हो सकता है। भूत भविष्य और वर्तमान काल के हिसाब से धुआं और आग का संबंध जो है हमेशा सत्य नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्यक्ष से व्याप्ति के संबंध की स्थापना भी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है, अनुमान से भी व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनुमान स्वयं किस पर निर्भर है? व्याप्ति पर निर्भर है, और व्याप्ति अनुमान पर आश्रित। यदि अनुमान किस पर निर्भर है? स्वयं व्याप्ति पर निर्भर है, और व्याप्ति को अनुमान पर फिर से आश्रित कर दें तो क्या होगा? अन्योनाश्रित दोष हो जाएगा, यानी एक के ऊपर दूसरा दोष को चढ़ा देना क्या हो जाता है? अन्योनाश्रित दोष कहते हैं इसको। तो अनुमान से भी व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अनुमान किस पर डिपेंड करता है? व्याप्ति पर डिपेंड करता है, और व्याप्ति की क्या है? व्याप्ति भी एक अनुमान ही है, और दोनों में दोष है। जब दोनों में ही दोष है तो यह प्रमाणित कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अनुमान जो है सत्य नहीं हो सकते, अनुमान का खंडन करते हैं। तीसरा है, शब्द द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। शब्द जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या है? शब्द है। आप किसी पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ते हैं, वह क्या है? शब्द है। और ये जो शब्द होते हैं यह भी किस पर डिपेंड करता है? अनुमान पर आधारित होता है। कैसे? कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वह सत्य है कि नहीं, वह किस पर डिपेंड करेगा? मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। या आप कहीं कोई प्रवचन सुन रहे हैं, उस प्रवचन सुन रहे हैं तो जो बोल रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? जो बोलने वाले की विश्वसनीयता पर डिपेंड करता है कि वह आदमी सच है कि नहीं है। ठीक, आप अनुमान लगाते हो तो शब्द भी क्या है? अनुमान पर निर्भर है, इसलिए शब्द के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। उपमान द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि उपमान क्या है? एक के सापेक्ष दूसरे को कहा जाता है, उपमा दी जाती है ना, सादृश्यता ज्ञान, इसको उपमान बोलते हैं। तो उपमान द्वारा भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उपमान भी क्या है? एक अनुमान ही है, और अनुमान जो है अप्रमाणित है। कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर भी व्याप्ति का संबंध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, कार्य कारण संबंध के आधार पर भी व्याप्ति का संबंध संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य कारण का संबंध व्याप्ति पर आधारित है, और व्याप्ति क्या है? अभी बताया था, व्याप्ति को जो है चार्वाक नहीं मानता, प्रमाण जो है प्रमाण के रूप में, क्योंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण मानता है। चार्वाक जो है व्याप्ति को प्रमाण नहीं मानता, तो कार्य कारण संबंध भी क्या है? व्याप्ति से संभव नहीं है। यदि कभी कभी कुछ अनुमान सही निकल जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनुमान अवश्य सही होगा।
चार्वाक यह भी कहना है कि निश्चित रूप से कभी कभी क्या होता है, हमारा अनुमान सही सिद्ध हो जाता है और अनुमान के अनुसार अपना कार्य भी करते हैं, लेकिन कई कई बार क्या होता है, अनुमान गलत भी सिद्ध हो जाते हैं। अतः यह निर्णय नहीं निकाल सकते कि अनुमान जो है हमेशा सही होगा। अनुमान का प्रमाणित होना क्या है, आवश्यक धर्म नहीं है। अनुमान की सत्यता मान लेना अविचारपूर्ण है। कभी कभी अनुमान सही निकल जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि अनुमान हमेशा सही होगा। तो इस प्रकार जो है अनुमान का खंडन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुमान जो है उसका किस प्रकार से खंडन करते हैं। ये जो 5-6 पॉइंट दिया है उसके आधार पर अनुमान को आप खंडन कर सकते हो कि अनुमान जो है प्रमाणित क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको बताया था कि चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अनुमान शब्द और उपमान तीनों का खंडन करते हैं। उसमें उसे हमने पहला अनुमान का खंडन कर लिया, अब चलते हैं शब्द का खंडन कैसे करते हैं। तो चार्वाक कहते हैं कि शब्द अनुमान सापेक्ष है। शब्द क्या है, अनुमान सापेक्ष है। अतः शब्द जो है विश्वास योग्य प्रमाण नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है, शब्द क्या होता है, सुनकर या पढ़कर या कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़कर जो भी सीखते हैं और जानते हैं वही तो शब्द है ना। ठीक, तो ये जो शब्द होते हैं यह भी अनुमान पर आधारित होता है, इसलिए शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट है, उसको देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट, शब्द ज्ञान क्या होता है, बहुत जगह गलत होता है। कि चार्वाक की आपत्ति क्या है कि शब्द बहुत जगह गलत सिद्ध होते हैं। कैसे, कि मान लीजिए किसी के द्वारा बताई बातों को मानकर या विश्वास करके कुछ कार्य करें, किंतु बाद में पता लग जाए कि वह सत्य नहीं है। यानी मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति से कोई मार्ग रास्ता पूछ रहे हो आप, परंतु जो रास्ता उसने बताया वह सही मार्ग है कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा उसने सही बताया है कि नहीं बताया है। यानी आप अनुमान लगा रहे हो कि वह सही बताया है कि नहीं बताया है, इसलिए क्या है, शब्द भी जो है अप्रमाणित है। शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं इस प्रकार। ठीक, क्योंकि शब्द ज्ञान बहुधा गलत होते हैं। दूसरा, शब्द ज्ञान भी अनुमान पर आधारित होने के कारण क्या है, अप्रमाणित है। चार्वाक का तर्क है कि शब्द ज्ञान अनुमान पर आधारित है। यानी आप किसी से कुछ सुन रहे हो, वो सुन रहे हो किस पर डिपेंड करता है, जो बोलने वाले की विश्वसनीयता पर डिपेंड करता है, उसकी कि आप अनुमान लगा रहे हो कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अनुमान पर आधारित होने के कारण क्या है, यह अप्रमाणित है। शब्द जो है, शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित होते हुए भी अप्रामाणिक है, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान होता है। मान लीजिए किसी ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर है। क्या है, ईश्वर है। तो ईश्वर है कि नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं क्या ईश्वर को, नहीं देख सकते। स्वर्ग, ग्रंथ में लिखा है ना स्वर्ग और नर्क के बारे में, स्वर्ग होता है कि नहीं होता, प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या स्वर्ग है कि नहीं, नहीं देख सकते। तो ये क्या है, ये शब्द भी गलत है। फिर तो उसी को बोल रहे हैं कि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित होते हुए भी अप्रमाणित है, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान होता है। ईश्वर और स्वर्ग क्या है, सब अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, और जो अप्रत्यक्ष है उसकी सत्यता नहीं है। चार्वाक जो है वेदों में वर्णित विषयों को अप्रमाणिक मानते हैं, वेद में जो लिखा है उसको भी प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं मिलता। स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, इन सबको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इसलिए इसको भी अप्रमाणित मानते हैं। तो इस प्रकार चार्वाक जो है शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं। तीसरा आता है उपमान प्रमेय का खंडन। उपमान क्या होता है, उपमान होता है सादृश्य ज्ञान, और यह किस पर डिपेंड करता है, अनुमान पर डिपेंड करता है। और अनुमान का खंडन पहले ही किया जा चुका है
चार्वाक द्वारा। अब बहुत सारे आपको पॉइंट बताया था, 6 पॉइंट जो है अनुमान का खंडन किस प्रकार करते हैं। चूंकि उपमान भी अनुमान पर आधारित है, अतः यह भी क्या है, अप्रमाणित है। उपमान प्रमाण का इस प्रकार खंडन करते हैं। तो चार्वाक की 11वीं मीमांसा क्या है? तो चार्वाक जड़वादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। यह प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। अनुमान, उपमान और शब्द का खंडन करते हैं। खंडन किस प्रकार करते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट बताया है मैंने, ठीक। यही है चार्वाक की 11वीं मीमांसा। अब इनकी जो दर्शन है 11वीं मीमांसा की, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, तो आलोचना भी देख लीजिए क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो जैन दर्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, जैन दर्शन ने किस प्रकार आलोचना की है, तो देखिए चार्वाक बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। चार्वाक ऐसा बोल रहे हैं तो वे अनुमान ही कर रहे हैं। जैन दर्शन का कहना है कि जो चार्वाक ऐसा बोल रहा है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, तब वे अनुमान ही कर रहे हैं कि एकमात्र प्रमाण है। दूसरा, जब चार्वाक विरोधियों से तर्क करते हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं ना कि ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होता, ये जो तर्क कर रहे, एक इस पर डिपेंड है, अनुमान ही तो लगा रहे हो आप कि ईश्वर नहीं होता, आपने भी नहीं देखा ईश्वर नहीं है कि नहीं, तो आप किस बेस पे कह रहे हो कि ईश्वर नहीं होता, आप भी क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर अनुमान की सिद्धि करने के लिए इस प्रकार से जैन दर्शन जो है इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जब जैन दार्शनिक जो है पूछते हैं चार्वाक दार्शनिकों से कि केवल प्रत्यक्ष को ही क्यों प्रमाण मानते हो भैया, तब चार्वाक दर्शन इसमें मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते, ठीक। परलोक का खंडन, जैन दर्शन कहते हैं कि परलोक का खंडन जब कर रहा है चार्वाक, मतलब चार्वाक उस समय क्या अनुमान ही तो लगा रहा है कि परलोक उसने भी नहीं देखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस प्रकार से खंडन करते हैं कि अनुमान कभी कभी गलत हो जाते हैं। चार्वाक ने कहा ना कि अनुमान जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष भी तो कभी कभी गलत हो सकते हैं, प्रत्यक्ष भी गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जैन दार्शनिक जो हैं चार्वाक की आलोचनाएं करते हैं 11वीं मीमांसा की। बौद्ध धर्म के जो दर्शन हैं उनके द्वारा कैसे आलोचना किए थे उसको देखिए। बौद्ध का प्रमुख है दर्शन है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद बाद में बताऊंगा, इसमें होता क्या है, प्रतिक्षण जो है वस्तु जो है बदलते रहता है, क्षण प्रतिक्षण, ये क्षणिकवाद है। तो वस्तु का ज्ञान अनुमान से हो ही नहीं सकता, वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो है वस्तु का स्वरूप जो बदलते रहता है, क्षणिकवाद है। वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ जो है क्षण भंगुर है, तो प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, अनुमान से ही हो सकता है, ये बौद्ध दर्शन में कहते हैं। न्याय दर्शन क्या कहता है कि विश्व के अनेक पदार्थ हैं जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, जैसे आँख, आप अपनी आँख को खुद से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, इसके लिए दर्पण की आवश्यकता होगी, अनुमान लगा रहे हो हाँ यहाँ आँख है बोलकर। तो न्याय दर्शन इस प्रकार से आलोचना करते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है, यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो अनुमान को ना माने तो व्यवहारिक जीवन क्या है, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अनुमान आपको तो लगाना पड़ता है बहुत जगह, ठीक। और ये जो चार्वाक का दर्शन है 11वीं मीमांसा, यह भारतीय दर्शन को अंधविश्वास से बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है, और भारतीय दर्शन को सुदृढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है चार्वाक दर्शन का। यही है आपके चार्वाक का 11वीं मीमांसा। तो 11वीं मीमांसा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि चार्वाक जो है एक जड़वादी दार्शनिक है, ठीक है। इनका मूल 11वीं मीमांसा है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्योंकि वह संदेह रहित है, निश्चित है, यथार्थ ज्ञान है। वह उपमान, शब्द और अनुमान का खंडन करते हैं, यही चार्वाक का 11वीं मीमांसा है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।